इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक नए टैंक को अनवील किया है जिसका नाम है अथर्वा हालांकि ये टैंक कोई नई डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट नहीं है ये एक हाइब्रिड वर्जन है इंडिया के रशियन ओरिजिन टी सेवेंटी टू टी एंड टी नाइनटी मेन बैटल टैंक्स का और इन दोनों टैंक्स के फीचर्स और उनके डिज़ाइनिंग को यूज़ करके इस नए हाइब्रिड वेरिएंट को तैयार किया गया है एंड इट इज़ अ कॉन्सेप्ट टैंक विच वाज डिस्प्लेड एट नो ईयर आर्मी फेस्टिवल एग्जीबिशन एट लखनऊ बिफोर द आर्मी डे सेलिब्रेशंस एंड uh, इसकी डेवलपमेंट इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की कोर द्वारा की गई है की गई है एंड लास्ट ईयर इट ऑल्सो अंडरवेंट ट्रायल्स नाउ अथरवा में टी सेवेंटी टू टैंक के हल को यूज़ किया गया है uh, हल दैट इज़ द मेन बॉडी ऑफ द टैंक द डिजाइनिंग ऑफ द टैंक द आउटर बॉडी ऑफ द टैंक एंड टी नाइन्टी टैंक के टरेट को यूज़ किया गया है टरेट दैट इज़ द रिवॉल्विंग पार्ट ऑन द टैंक दिस दिस पार्ट इज द टरेट ऑफ द टैंक और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट टैंक ऑलरेडी यूज टैंक्स पर बेस्ड है तो इसके पैरामीटर्स लाइक स्पेसिफिकेशंस परफॉर्मेंस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है एज कंपेयर टू टी एंड टी टैंक्स लाइक इसके जो वेट uh, की बात करें तो इट हैज अ वेट ऑफ अराउंड फोर्टी टन दैट इज़ अराउंड टू टन मोर देन द टी टू टैंक एंड अराउंड वन पॉइंट फाइव टन लेस देन द टी टैंक सो इसका वेट T72 एंड T90 के बीच में लाई करता है इसके बाद अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें T72 का 780 हॉर्स पावर का इंजन यूज़ किया गया है राधर देन T90 का 1000 हॉर्स पावर। सो इसमें ये हम इसकी थोड़ी लो साइड कह सकते हैं बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो इसकी अदर स्पेसिफिकेशंस या परफॉर्मेंस की बात करें इसकी स्पीड एंड फायर फायर पावर कैपेबिलिटीज उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और इस हाइब्रिड वर्जन को डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव था T-72 एंड टी टैंक्स की दोनों की स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखते हुए एक उनको कंबाइन करके एक बेटर वेरिएंट लेके आना लाइक T-72 की बैटल टेस्ट रिलायबिलिटी लाइक उसका स्टडी हल और T-92 uh, T-90 के एडवांस फीचर्स एस्पेशली इट्स एडवांस्ड टरेट सो द फाइनल ऑब्जेक्टिव इज एनहेंस्ड परफॉर्मेंस नाउ अगर हम बात करें इंडियन आर्मी के मेन बैटल टैंक्स टी सेवेंटी एंड टी नाइनटी की तो इन दोनों टैंक्स की फ्लीट में भी कुछ अपग्रेडेशंस एंड कुछ मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं और ये दोनों टैंक्स टी uh, सेवेंटी जिसका इंडियन नेम है अजया और टी नाइनटी दैट इज़ भीषम दे बोथ आर द बैकबोन ऑफ इंडियन आर्मीज़ आर्म्ड कैपेबिलिटीज़ बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ्स कैपेबिलिटीज एंड सिग्निफिकेंट नंबर्स और इनको हर तरह के टेरिन लाइक हॉट डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान और हाई अल्टीट्यूड एरियाज ऑफ लद्दाख और सिक्किम इन दोनों तरह के टेरेन में यूज़ किया जा सकता है स्पेशली दट टी नाइन्टी टैंक्स लाइक इसके एक एडवांस्ड वेरिएंट को स्पेशली फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है एंड लाइक दैट टी सेवेंटी टू बट फिर भी इंडियन आर्मी को इनको हाई अल्टीट्यूड रीजन्स पर ऑपरेट करने में काफ़ी uh, काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है लाइक दे हैव टू यूज़ स्पेशल किट्स

मेन बैटल टैंक अर्जुन है इट इज़ नॉट सुटेबल टू ऑपरेट इन दोज रीजन्स बिकॉज इट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट इन द हॉट डेजर्ट एरियाज और 2020 में गलवान वैल गलवान वैली क्लैश के दौरान इन T-72 एंड T-90 की ह्यूज नंबर्स को लाइक अराउंड 200 हंड्रेड यूनिट्स को एयरलिफ्ट किया गया था एंड डप्लॉयड इन द डप्लॉयड अलॉन्ग द चाइना बॉर्डर इन द लद्दाख एरिया नाउ T90 की अपग्रेडेश की बात करें तो इट इंक्लूड्स द टेक्निकल द टैंक लाइक द आर्मी इज गोइंग फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमैटिक टारगेट ट्रैकर्स ए टी टी एंड डिजिटल बेलिस्टिक कंप्यूटर्स एंड दिस बोथ सिस्टम्स आर द पार्ट ऑफ द फायर कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द टैंक नाउ दिस ए टी टी दटोमैटिक टारगेट ट्रैकर टेक्नोलॉजी इट हेल्प्स इन द एक्ूरेट एनगेजमेंट विद द मूविंग टारगेट्स एंड करंटली टारगेट हीटिंग के लिए टैंक ऑपरेटर को मैनुअली अपने एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग फायर करना पड़ता है विच इंक्लूड्स द चासेज ऑफ मिसिंग द टारगेट एंड डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर डी बी सी इट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट्स द ट्राजैक्टरी ऑफ द राउंड बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द एटमोसफेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड विंड कंडीशन लाइक स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड बिकॉज एट द एटमोसफेयरिक प्रेशर इट अफेक्ट्स द ट्राजेक्टरी द एंगल ऑफ द फायर so dbc calculates all these things automatically to hit a target accurately and both these systems uh, they will rule out the scope of human errors and all the units of t90 uh, will be equipped with these systems and around uh, currently there are around 1200 operational t90 t90s with the indian army and apart from that around 400 to 500 units are also under production and these अंडर प्रोडक्शन यूनिट्स विल कम विद द inbuilt बिल्ट सिस्टम्स ऑफ ऑटोमेटिक ट्रागेट ट्रैकर्स ट्रैकर्स एंड डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर्स इसके बाद अगर हम T-72 टैंक्स की फ्लीट की अपग्रेडेशन की बात करें तो हालांकि इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं होगी इंडियन आर्मी इज गोइंग फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ दीज टैक्स एंड नवंबर में इंडियन आर्मी ने एक टेंडर जारी किया था फॉर द रिस्टोरेशन एंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोजेक्ट Uh, which includes the replacement of parts uh, having limited life and replacement of non-repairable assemblies quality uh, quality uh, assurance and like other things and the purpose is to restore, uh, restore these tanks to as good as new condition and in t72 tanks may be digital ballistic computer and automatic target tracker key provision hai, but uh, army is not going to integrate these systems in these tanks uh, because uh, they are going to be replaced in future in the coming years with the future ready combat vehicles because uh, they are already in service for around four decades. Uh, like the 1980s T72 uh, 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 tanks ko acquired So economically, it is not practical to integrate these systems in all in the in the fleet of T-72 and uh, currently. Indian Army has around 2400 units of these T72 uh, tanks. Apart from that, DRDO has also started the internal development trials of its light tank Zoravar, and uh, after that, after the trials by the DRDO, uh, within 4 to 5 months, it will be sent to the user trials for the field trials to the Indian Army, where it will be tested under the harsh conditions uh, of Rajasthan, the hot deserts and the high altitude areas of Ladakh regions. And uh, in future, after the final trials, the Indian Army is going to procure, is going to acquire these uh, Zoravar tanks around 350, uh, 350 units in a phased manner.